तो जी बात करनी है कि अगर शुक्र जो है वो 11वें घर में हो तो उसके बारे में लाल किताब क्या कहती है। वीनस इन 11th हाउस तक पहुंच गए हैं, थोड़ी सी टिपिकल प्लेसमेंट है ये वाली, वीनस इन 11th हाउस, बट रेमेडी से शुरू करेंगे और जनरल बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं, मेरा नाम सुरेन अरोरा है, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। GTA कनाडा में पिछले 20 साल हो गए, उससे पहले मैं इंडिया में था। ऑथर हूँ, कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ लिख रहा हूँ। इसके अलावा बहुत प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने लेक्चर्स दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट भी हूँ, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूँ, ट्रेनिंग्स, कोचिंग और इमोशनल करेक्शंस करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी या पर्सनालिटी रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीनस इन 11th हाउस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी रेमेडीज क्या हैं? तो पहली रेमेडी में लाल किताब कहती है कि जो बुध की जो रेमेडीज बताई गई थी वो यूजफुल हैं। तो आप पुराने वाला वीडियो निकालिए जिसमें मैंने मर्क्यूरी की या बुध की जो है वो रेमेडीज बताई थी, उसको ढूंढिए। उसको मैं हमेशा यही कह रहा था कि वीडियो को सेव कर लें। खैर, अगर आपने नहीं भी सेव करी तो अभी मेरे अकाउंट के ऊपर है तो आप वहां पर जाकर देख लें। जो भी रेमेडीज बुध की हैं या मर्क्यूरी की हैं वो यूज कर लें, मर्क्यूरी इन 11th हाउस देख लें। दूसरी रेमेडी है कि शनिवार के दिन तेल का दान करें, शनिवार के दिन तेल का दान करें, शनि को मनावे, सदा सुख पावे, आपने अक्सर सुना होगा। तो सैटरडे के दिन शनि का तेल दान करें। और तीसरी जो रेमेडी है वो ये कहती है कि ये जो जातक होता है जिसकी जिसका शुक्र 11वें घर में बैठा होता उसको लो स्पर्म होता, राइट, उसमें शुक्राणु जो हैं वो कम होते हैं, तो उसके लिए करना क्या चाहिए कि दूध में एक गरम गरम कोई सोने की चीज डाल लें और फिर उस दूध को पिएं। दूध में कोई सोने की गरम चीज करके डाल लें और फिर उसको पिए, सोने की गर्म चीज ना पिए, दूध पिए, राइट। किस लिए पिए? अगर लो स्पर्म काउंट है तो ऐसे बिना बात के ना पीना शुरू कर दें। उस केस के अंदर दूध में कोई गर्म सोने की कोई रिंग को या कड़े को या चूड़ी को डाल के डिप करके और दूध पिए। ठीक है जी, तो ये था कि अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बात करें। एस्ट्रोलॉजी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे बात करें। मेरे लिए वीडियो को लाइक करें, अपने लिए वीडियो को सेव करें और किसी फ्रेंड या रिलेटिव से या फैमिली मेंबर से शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्र अगर 12वें घर में हो, वीनस इन 12th हाउस हो, तो क्या रेमेडीज हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं या क्या कहा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। थैंक यू।